जय श्री राम भाइयों। जय श्री राम। हम इस वक्त हैं सोनीपत विधानसभा की जो गन्नौर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके टेहा गांव में, और यहां पर मोहन लाल बडोली जी के स्वागत के लिए सभी ग्रामवासियों ने कार्यक्रम आयोजित किया है। तो चलिए इसी को लेकर यहां के जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उनसे थोड़े सवाल जवाब किए जाए। जय श्री राम जी। जय श्री राम। तो भाई साहब जी, अभी चुनावी प्रचार पूरे जोरों पर है सभी पार्टियों का, तो एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जी, आप जो वोट दोगे वो भाजपा के नाम पे मोदी के काम पर दोगे या बडोली जी के काम को पहले से जानते हो, जैसे वो सोनीपत के अपने विधायक रह चुके हैं पहले से, आपका क्या विचार है उसको लेकर? बडोली जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पहले से ही, इनके काम पे भी और मोदी के नाम पे भी दोनों से वोट देंगे। अच्छा जी, अब जैसे ये चुनावी माहौल में कहते हैं कि जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और विकास का काम कोई किया नहीं, तो आपके ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का विकास का काम हुआ है या सिर्फ धर्म की राजनीति के ऊपर यहाँ पे सारा काम चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धर्म की कोई राजनीति है, सब बराबर है, विकास हो रहा है चारों तरफ। तो चलिए अभी थोड़ा युवाओं से पूछते हैं कि क्या हिसाब किताब है यहाँ के, रोजगार का क्या हिसाब किताब है, भ्रष्टाचार कैसा कम हुआ है या अभी भी बाकी है थोड़ा बहुत, तो युवाओं की क्या सोच है आने वाले चुनाव को लेकर, उनके क्या मुद्दे रहेंगे, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो भाई साहब जी, क्या हिसाब किताब चल रहा है राजनीति में? राजनीति में तो बहुत अच्छा हिसाब किताब चल रहा है, सबका साथ और सबका विकास। जैसा कि आप जानते हैं मोदी जी की एक गारंटी है, भाई सबका साथ होगा, सबका विकास भी होगा, और विकास हो रहा है, हमने देखा है पिछले 5 सालों में ही नहीं, 10 सालों से हम देख रहे हैं कितना अच्छा विकास हुआ है, आप खुद जानते हैं। अगर हम बात करें अपने आसपास की, हमारे सराउंडिंग में इतनी अच्छी सड़कें हमें मिल रही हैं, हमें बात करें अपने बुज़ुर्गों की जिनको इतना अच्छा भत्ता मिल रहा है, जिनको पेंशन मिल रही है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ चुकी हैं, हमारे यहाँ पास ही देख लीजिए बड़ी में इतना अच्छा इंडस्ट्री बन चुका है, और ये गन्नौर टेहा में जहाँ आज हम खड़े हैं यहाँ पे फ्रूट मंडी स्टार्ट होने जा रही है। लेकिन विपक्ष तो बेरोजगारी का रोना रो रहा है कि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है। देखो वही बात है, विपक्ष तो कुछ ना कुछ उनके पास मुद्दा होना चाहिए ना, वो तो मुद्दा दिखा रहे हैं अपना खाम खा का, लेकिन विकास आप खुद देखिए ना, किसी बच्चे से पूछिए, शिक्षा की अगर बात करें, हर स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स और इतने अच्छे गवर्नमेंट स्कूल इतने चमक गए हैं, फ्री में शिक्षा मिल रही है, कितनी बड़ी बात है भाई साहब ये, रोजगार मिल रहे हैं महिलाओं को, रोजगार मिल रहे हैं महिलाओं को, शिक्षा मिल रही है। और बात अगर मोदी जी की करूं तो उन्होंने तो इतना अच्छा देश में इतना अच्छा काम किया है, जो राम को ले आए, राम को अपने घर ले आए, उनको वोट क्यों ना दें, उनसे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। और जैसे अब जो मुद्दे हैं, अब लोग अधिकतर कह रहे हैं कि हम तो मोदी के नाम पे वोट देंगे, हम अपने क्षेत्र की अगर बात करें तो जो बडोली जी हैं, मोहनलाल बडोली जी आपके प्रत्याशी हैं, सांसद उम्मीदवार हैं वो भाजपा से, तो उनका कार्यकाल रहा है एक विधायक के रूप में, वो कैसा रहा है, क्या उस पर भी वोट डालेंगे या सिर्फ मोदी के नाम पे वोट डल जाएगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मोदी के नाम पे वोट डल रही है, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी है ना वो इतने अच्छे हैं सारे के सारे, मोदी जी की जो ट्रेन चल रही है ना उसमें जो डब्बा जुड़ रहा है वो ऐसा जुड़ रहा है जो सक्षम काबिल है उसको ही जोड़ा जा रहा है, ये नहीं किसी को भी टिकट दे दी, टिकट उसी को दी जा रही है जो दावेदार है और जो लोगों का हितैषी है, जो लोगों के हित में काम करता है, जो लोगों की सोचता है, समझ रखता है, उन्हीं को टिकट दी जा रही है। बात करें मोहनलाल बडोली जी की, विधायक रहे हैं राई हल्के से, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, आज आप बच्चे से जाके वहाँ पूछिए, गाँव में विकास इतना सारा कर रखा है, राई का पूरा हल्का चमका हुआ है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने विकास के काम किए हैं। अब इनको ये प्रत्याशी हैं बीजेपी के, बहुत ही अच्छे सोनीपत से, अब ये एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे, तो अब ये ऐसे नहीं कि भाई किसी को भी वोट टिकट दे दी और वो टिकट लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं, नहीं, हम चेहरा देख रहे हैं सिर्फ मोदी जी का, लेकिन उनके नीचे जो प्रत्याशी हैं वो भी उसी ट्रेन में चल रहे हैं जिसमें हम खड़े हैं, वो हमारे हित में काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। तो आने वाले 5 साल में क्या उम्मीद है सरकार से? आने वाले 5 साल में उम्मीद यही है कि इंडिया एक डिजिटल इंडिया होने जा रहा है, और जहाँ तक हमने आज तक पढ़ा है, मैं खुद एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ, मैंने पढ़ा है आज तक सिर्फ इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, बट आने वाले साल में मैं ये मेरे कान ये सुनना चाहते हैं इंडिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज जब भी मैं सुनता हूँ अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री एंड अदर कंट्रीज आर वेरी वेरी बिग कंट्रीज, दीज आर ऑल आर डेवलप्ड कंट्री, बट इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री नहीं, मैं ये सुनना चाहता हूँ इंडिया ऑल्सो आर डेवलप्ड कंट्री। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लोगों से सवाल जवाब के बाद सभी तैयार हो गए मोहनलाल बडोली जी के स्वागत के लिए। चेयरमैन कन्नौर हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन।
इसके बाद हम पहुंचे शिव पार्क में, जहां पर मोहनलाल बड़ोली जी ने सभी को संबोधित किया। एक बार सभी से निवेदन है, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे इस सभा में उपस्थित ऐसे संगठन के अधिकारी जो व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं, और मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ, जो इस प्रकार से निर्माण करके जो आज प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में आया हूँ, ऐसे निर्माण करने वाले हमारे अधिकारी डॉक्टर दीपचंद जी अपने बीच में उपस्थित है। एक बार ताली बजा के सब स्वागत कर देंगे। और ये आशीर्वाद, क्योंकि संघ के अधिकारी कम इस प्रकार के आयोजनों में आते हैं, लेकिन मैं संघ का संयोजक हूँ, द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ, और उनके द्वारा ही निर्माण करके यहाँ भेजा हूँ। तो आज ये आए हैं, बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। अपने बीच में बहन निर्मल चौधरी जी, यहाँ से लोकप्रिय विधायक भाई देवेंद्र कात्यान जी, आप सबके युवाओं के साथी भाई अरुण त्यागी जी चेयरमैन, आजाद सिंह नेहरा जी इस चुनाव अभियान के संयोजक, निशांत छोकर जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, और जिला के महामंत्री, जिला परिषद के सदस्य नरेंद्र जी, विकास त्यागी जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, संजय गौतम जी मंडल के अध्यक्ष, विनोद त्यागी जी चेयरमैन मोथल ब्लॉक, विनय शर्मा जी विस्तारक, अजय जैन जी मंडल के महामंत्री, सतीश शर्मा जी पानीपत से ये ब्राह्मण सभा के प्रधान, नरेश कौशिक जी, योगेश कौशिक जी गन्नौर गरीबंश कमेटी के मेंबर, मंजीत सरपंच जी भगवानपुर, विनोद बैनागी जी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, मीनू सरपंच घसोली, अमन मुखीजा जी गन्नौर, सुबोध शर्मा जी, चिराग सिंह मान जी, सुरेश अत्री जी एडवोकेट, प्रमोद शर्मा जी अपोलो स्कूल। और इस प्रोग्राम के आयोजन मेरे बहुत ही प्रिय भाई भूषण सीजा जी और शेखरचंद जैन जी, जिन्होंने आशीर्वाद दिया पूरे व्यापार मंडल की तरफ से, और मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई सिंगला जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और आज बाहर का भी हमें आशीर्वाद मिला। सुरेश अत्री जी अपने बीच में बैठे हैं, और इस सभा में उपस्थित पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता और बहने, छाकार पत्रकार साथियों, आज गन्नौर विधानसभा का ये तीसरे दिन का प्रवास करा था, और 16 प्रोग्राम थे, बीच में एक मीटिंग है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज अपने सोनीपत में आए। आज पूरा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जींद से प्रवास शुरू हुआ। जुलाना और जींद की दोनों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेके फिर सपीतों गए। सपीतों से आज दोपहर का भोजन उन्होंने गोहाना और बड़ौदा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ करते हुए फिर चारों विधानसभा गन्नौर, सोनीपत, राई और खरपोता, चारों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बहन निर्मल जी राम सब उस मीटिंग में जाना पड़ गया। और आज बहुत बड़ी ज्वाइनिंग भी है, सतपाल सांगवान जी पूर्व में मंत्री रहे, आज उनके साथ भी करीब 250 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बहुत आज का ऐसा दिन है कि आज प्रथम चरण का चुनाव और जो 102 सीटों का चुनाव, जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद, जो रुझान अपने पास आए, जिस प्रकार की जानकारी आई, मुझे लगता है कि जो मोदी जी का नारा 400 पार का है, आज के रुझान से लगता है वो 400 पार से बहुत आगे जाएगा। बहुत बड़ा जनसमर्थन आज जनता जनार्दन से मिला, और जिस प्रकार का वातावरण आज यहाँ इस प्रवास के समय में मिला, ये लोगों का प्यार आशीर्वाद और जनसमूह जिस प्रकार से उमड़ता है, तो थोड़े बहुत हम लेट भी हो जाते हैं, प्रयास करते हैं, समय से प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन मैं आप सबको पहले प्रणाम करता हूँ कि जो आपने इस प्रोग्राम की जो शोभा बढ़ाते हुए आज ये लास्ट प्रोग्राम था, आप बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। मैं सभी यहाँ पर उपस्थित बाबा शंभुनाथ के इस पार्क में आप सबको प्रणाम करते हुए निवेदन भी करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा अब की बार 412 बार लगाएंगे, अब की बार और ये 412 का नारा ये तब सफल होगा जब आपके टेलीफोन में कोई भी नंबर ऐसा है, आपके मिलने वाला देश के किसी भी प्रांत में, आप सब जब जब भी चुनाव, अपने हरियाणा प्रदेश में छठे चरण का चुनाव 25 मई को चुनाव होगा, इससे पहले 4 चरणों का और भी आएगा, एक चरण का तो आज पूरा हो गया, 4 का और भी आएगा, जब छठे में हमारा होगा, तो जब जब भी चुनाव हो आप जरूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने इस प्रकार का निवेदन करते हुए जरूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से 10 वर्षों से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए, देश के विकास के काम, नई तकनीक के साथ नए भारत का निर्माण,
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ, वो आपसे आपने खूब उसको देखा है। सोनीपत को नो नेशनल हाईवे मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोनीपत में बड़ी में रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण, करखोदा में 900 एकड़ में मारुति का प्लांट और राइस स्पोर्ट्स स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा देना, शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और रोजगार के क्षेत्र में भी सोनीपत लोकसभा में बहुत सारे काम हमारी सरकार के द्वारा हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण पूरे देश में जो रेलवे का काम हुआ, पूरे देश में रेलवे स्टेशनों पर आप कहीं भी जाएंगे अच्छे अच्छे पार्कों का निर्माण, बिजली की चलने वाली ट्रेन, साफ सुथरी रेलवे, जो एक नया भारत, मोदी जी ने कहा था कि सोच बदलो देश बदलेगा, उस प्रकार से पूरे देश में जो परिवर्तन हुआ वो सब आपके सामने। और देश के जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो 36 बिरादरी के भाइयों को जो मान और सम्मान देने की बात, जो सरकारी योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचाने की बात, जो पिछली सरकारों में कहते थे कि 100 रुपये बेचते हैं तो नीचे तक आते आते 15 रुपये रह जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की वजह से अगर ऊपर से 100 रुपये भेजे तो पूरे 100 के 100 लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का काम किया, बहुत पारदर्शी तरीके से सरकार चलाने का काम। और सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से पैसे का और सिफारिश का खेल चलता था उसको खत्म करके बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का जो हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि, और गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की जो सरकार की नीतियां वो सब आपने देखी। आप सबने लगातार 10 वर्षों से 2014 से पहले का भारत आपने देखा है, 2014 के बाद का भी भारत आपने देखा है, और 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के गौरव को, देश के मान सम्मान को और देश से जो गुलामी की मानसिकता को खत्म करने के जो काम किए वो सब आपके सामने है। चाहे उसमें धारा 370 हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर जो 500 वर्षों की काफी कानूनी परिस्थितियों में फंसे हुए मामले को भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से एक बहुत बड़ा काम करते हुए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो काम किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां। इसी के साथ आज का कार्यक्रम होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।